हर बोले। और नंदी बाबा का इंतजार अब जल्दी खत्म होगा, आज जैसे हमारे एक कोर्ट जीते हैं आगे और भी केस जीतते जाएंगे। क्या तैयारियां हैं महादेव? और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा, और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमारा मौका, हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। जज साहब ने अपने फैसले में कहा क्या है? कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गूमेंट जो भी दिए थे सबको माना है, प्लेसर वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वर्क फाइट से बाधित नहीं है, और मुस्लिम पर जो कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं, और ये साबित हो गया है कि वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए, 22 तारीख को क्या हो? अब ये सूट आगे बढ़ेगा, अब सूट आगे बढ़ेगा और गवाही होगी और अपना सूट साबित करेंगे। तो कितनी बड़ी जीत है आप? बहुत बड़ी जीत है, इतनी बड़ी जीत है कि आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जो हमने कहा था सब मान लिया गया, और मैं समझता हूँ बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये आखिरी सवाल के तौर पर मुस्लिम्स के लिए क्या बचा अब इससे? मुसलमान इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट अपील में जा सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला है। और वो हाई कोर्ट जाएंगे तो हम भी हाई कोर्ट जाएंगे और इस ऑर्डर को स्टे नहीं होने देंगे। तो आप आइए।